स्वास्थ्य विभाग आगरा द्वारा खसरा और रूबेला टीकाकरण अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। 29 नवंबर को विभिन्न जगह सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इस अभियान को चलाया गया। 3 दिन में लगभग 1 लाख बच्चों को अभी तक टीकाकरण किया जा चुका है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार वत्स ने अभियान की जानकारी दी। ये इस तरह का अभियान, ये रूबेला वैक्सीन है और मीजल्स वैक्सीन है इसमें, ठीक है। तो इसमें मीजल्स वैक्सीन तो सभी को पहले से लगती आ रही है, कोई खास बात नहीं है। रूबेला इस बार ऐड हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक इसे ख़त्म करने का बीड़ा उठाया है, तो इसको हमें सबको अभियान के रूप में लेके इसको ख़त्म करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वायरस 9 महीने से 15 साल तक के बच्चों में पनपता है। अगर उन सब बच्चों को हम एक साथ टीकाकरण कर देंगे तो उस वायरस को कहीं भी पनपने की जगह नहीं। पिछले 2 दिनों में हमारे करीब 1 लाख बच्चों ने वैक्सीनेशन करवाया और उसमें कोई भी सीरियस इवेंट कोई भी नहीं आया है। सब बच्चे स्वस्थ हैं, ठीक हैं, खुश हैं। और ये मैसेज मीडिया के थ्रू मैं चाहता हूँ कि सभी पेरेंट्स को मिले, टीचर्स को मिले। दूसरा मैसेज ये है कि सभी टीचर्स उनके बच्चों के सर्टिफिकेट पहले से बना के रखें और जब एक बच्चे का वैक्सीनेशन हो तो बाकी बच्चे दूसरे कमरे में हों। एक कमरे में जिसमें वैक्सीनेशन हो रहा है एक एक बच्चा करके लाएं, जिससे कि दूसरे बच्चे डर के, अगर वो रोता भी है बच्चा या इंजेक्शन देख के पैनिक इतने हो जाते हैं कि उनके अपने आप ही पेट में दर्द, कोई सिर में दर्द, कोई इस तरह से हो जाता है। तो ये सब कंडीशन ठीक नहीं है, ये सब टीचर्स के हाथ में है और इसको रोका जाए। कुछ भ्रामक स्थितियाँ, अभी एक मैसेज मैंने व्हाट्सएप पर भी पढ़ा है और शायद पेपर में भी निकला है कि 2006 पता नहीं कोई पुराना कोई वो था ये मीजल्स का इवेंट, तो उसमें 2-4 बच्चों को बुखार वगैरह फीवर वगैरह हो गया था, तो उसको इन्होंने मीडिया में या व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया कुछ लोगों ने, जो कि गलत है। टीकाकरण अभियान को जिन स्कूलों द्वारा सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार वत्स ने कहा कि उनकी शिकायत बीएसए और सीडीओ से की जा रही है। अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो ऊपर शिकायत की जाएगी, जिससे कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रह सके। जहां इस तरह की कंडीशन आ रही है, हम बीएसए से और डीआईओ से बात कर रहे हैं। कोई भी स्कूल छोड़ा नहीं जाएगा ये अभियान में। बीच में थोड़ा लेट हो सकता है, आज मना कर रहा है, लेकिन अभियान तब तक चलेगा जब तक कि एक एक बच्चा हम कवर नहीं करें। ऐसे स्कूलों से समझा के निकले। पल्स पोलियो में भी हमने शुरू में कितना विरोध होता था और धीरे धीरे वो ख़त्म हुआ, अब पोलियो भी ख़त्म हो गया। लेकिन इसी तरह से हम इसमें भी लोगों को समझाएंगे और जब कम स्कूल रह जाते हैं तो हम पर्सनली भी उनको जाके। यूनिसेफ के एसएमओ डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह चंदेल ने बताया कि अभी तक किसी भी तरह की कोई शिकायत टीकाकरण अभियान के दौरान नकारात्मक नहीं आई है, लेकिन कुछ नेगेटिविटी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लोगों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अभियान को सफल बनाकर राष्ट्रव्यापी अभियान में साथ दें, जिससे खतरनाक जानलेवा बीमारी का सफाया किया जा सके। मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह चंदेल है, एज ए सर्वेलेंस मेडिकल ऑफिसर WHO यूनिट आगरा के। 1 महीने के अंदर हमें, मतलब 20 वर्किंग डेज है, एक वीक में 4 दिन, तो करीब 5 सप्ताह में तक ये काम चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, और 5 सप्ताह से ज़्यादा भी चल सकता है, क्योंकि जो स्कूल है कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, उनको 1-to-1 बात करके उनसे कन्फ्यूजन दूर किया जा रहा है। और जैसे बड़े स्कूल है DPS, हम खुद ओरिएंट करके आए, तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। लोगों को समझा देने के बाद वो तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब हम समझा नहीं पाते या NMNG नहीं एक्सप्लेन कर पाती तो दिक्कत होती है। अगर हम अच्छा मैसेज देंगे कि साहब ये हमारा उद्देश्य है, ये हम किसी उसके लिए नहीं कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, आगे वाली जनरेशन के लिए कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। तो जब अच्छी चीज़ समझ में आ जाती तो स्कूल तैयार हो जाता है, और नहीं समझ में आता तो फिर वो बोलता है साहब हम क्यों कराएं, पेरेंट मना कर रहे हैं। तो जब स्कूल सपोर्ट करता है तो पेरेंट्स तो पहले एग्री हो जाते हैं। तो अभी तक जो इवेंट आ रही है अच्छा सपोर्ट मिल रहा है स्कूलों से, बहुत अच्छा मिल रहा है। कुछ लोगों का कन्फ्यूजन है, तो जैसे सर ने बोला हम एक बार जाके बात करेंगे, CDO साहब ने भी आज रिव्यू किया है, सब लोग फील्ड में जा रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। आपको बता दें कि यूनिसेफ अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के टीकाकरण अभियान से जुड़े तमाम अधिकारियों की मीटिंग मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निवास पर आहूत की जाती है, जिससे सुबह से शाम तक कितना कार्य फील्ड में हुआ उसकी रिपोर्ट ऊपर भेजी जा सके। डॉक्टर चंदेल का मानना है कि अभियान में अभी तक किसी तरह का कोई अनियमितता नहीं पाई गई है और उम्मीद यही है कि आगे भी अभियान सफल होगा। 2020 तक मीजल्स एलिमिनेशन के लिए और CRS रूबेला को कंट्रोल करने के लिए इसीलिए अभियान चलाया जा रहा है, अदरवाइज अभियान की जरूरत नहीं होती। और 2020 तक इसको एलिमिनेट करना है, टारगेट है।
उसके लिए ये जो स्कूल फेज चल रहा है अभी, इसमें दिक्कत इसलिए आती है कि सारे बच्चे जो है या टीचर्स प्रॉपर सपोर्ट नहीं करते, तो सब बच्चे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और उन सबको इंजेक्शन एक दूसरे को देखता रहता है कि यार इसको इंजेक्शन लग रहा है, और उनको पता होता है कि हमें मिलेगा, इसलिए वो घबराते रहते थोड़ा अंदर अंदर, और जब उनको इंजेक्शन लगता है तो वो उसके बाद उनको थोड़ा सा स्ट्रेस या एंजाइटी आती है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों में, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। और वो माइनर चीज़ है, आप कोई भी इंजेक्शन मीजल्स ना भी लगे तो कोई सा भी इंजेक्शन लगे उसमें भी बच्चों को एंजाइटी तो होती है, तो रोना, ये एक बच्चा रो रहा दूसरा रोएगा, तो ये है। बाकी कोई सीरियस इवेंट अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुआ, ना कोई डेथ, ना कोई ऐसा हॉस्पिटलाइजेशन, इवन एक बच्चा भर्ती तक नहीं हुआ कोई अभी तक, 1 लाख बच्चों को लग गया, तो अगर कुछ ऐसा होता तो कोई ना कोई तो भर्ती होता, तो अभी तक ऐसा है ही नहीं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की पहल के अनुसार जिस तरह से इस राष्ट्रव्यापी अभियान को देश भर में चलाया जा रहा है और खसरा और रुबेला जैसी घातक बीमारी से निपटने हेतु टीकाकरण अभियान को स्वास्थ्य विभाग की टीम चला रही है, इससे आने वाली भविष्य की पीढ़ी स्वस्थ होगी और देश भी निरोगी पैरों पर खड़ा होकर सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर होगा। अर्थ न्यूज के लिए करतार सिंह बघेल की रिपोर्ट।